तो हेलो गाइस वेलकम। जो जो बंदे इस वीडियो पर क्लिक किया है उसका गेम प्ले आज के बाद टोटली चेंज होने वाला है और वो एक अनबीटेबल प्लेयर बन सकता है। यहाँ गाइस एक ऐसा प्लेयर जिसको कभी हराया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे यूनिक क्वांटम स्ट्रेटजीज को कवर किया है जो रियल टाइम यूट्यूब में अभी तक किसी ने भी नहीं लाया है। और गाइस लिटरली बता रहा हूँ, ये टिप्स एंड ट्रिक्स तुम लोगों का गेम प्ले आज के बाद टोटली चेंज करने वाला है और गाइस तुम्हारा गेम प्ले अनदर लेवल जाने वाला है। सो प्लीज गाइस वीडियो को पूरा देखते रहना। और वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लेजेंड्स को फॉलो करने के बाद ही ये सब ट्रिक तुम लोगों के सामने मैं ला पाया हूँ। सो प्लीज गाइस इस बात पर वीडियो को लाइक कर देना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट में बोनस ट्रिक है तो जरूर वीडियो को एंड कर देखना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहला ट्रिक है क्विक कवर। अब देखो जब एनिमी बहुत ज्यादा क्लोज रेंज में होता है, ठीक है, तब तुम लोगों को क्विक कवर स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से यूज करना है। तुम लोग अगर पता होगा बहुत अच्छे अच्छे अगर प्लेयर्स का तुम लोग वीडियोस देखते हो तो तुम लोग एक चीज जरूर नोटिस करना कि वो लोग जब भी खेलता है बहुत एक स्क्वाड के सामने घुस जाता है तो देखना वो लोग कितना क्विकली कवर लेता है और अपोनेंट एनिमी का गोली उसके ऊपर टच ही नहीं होता है। तो देखो ये चीज बहुत ओपी चीज है और अगर ये चीज तुम लोग सीख जाओगे तो तुम लोग एक स्क्वाड को अकेले टैकल कर सकते हो। तो गाइस चलो देखते हैं अब क्विक कवर हम लोग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल इधर मेरे सामने एनिमी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखो अगर मैं सीधा जाता हूँ इधर, ठीक है, सो एनिमी इजीली एक जंप करके मुझे इजीली फिनिश कर सकता है। सो ये गलती मुझे नहीं करना है। इस टाइम पे मुझे लेना है एक क्विक कवर। तो वो कैसे लेना है, देखो जिस टाइम पे एनिमी फायर करने वाला होगा, मतलब जस्ट वो करने ही वाला है, उस टाइम पे तुम लोगों को थोड़ा टर्न ले लेना है उसके गुली बॉल की ओर, जिससे क्या होगा ओपोनेंट एनिमी का एमो मिस हो जाएगा, तुम्हारे बॉडी पे टच ही नहीं होगा। जैसे ही वो फायर करने वाला था मैंने इधर टर्न ले लिया उसकी गुली बॉल की ओर थोड़ा सा, देखो। हाँ अब देखो उसने तो फायर किया, उसका एमो हो गया मिस। क्यों मिस हो गया, क्योंकि मैंने इधर टर्न ले लिया और उसका जो एम होता है प्लेसमेंट वो बिगड़ गया। अब देखो यहाँ पर टाइम आता है मेरे फायर करने का। सो सिंपल सा, अब मैंने इधर अपना पोजीशन बनाया और इजीली लो भाई वन टैप। सो गाइस ये हो गया क्विक कवर का एग्जांपल। सो गाइस और एक एग्जांपल देखो, इधर एनिमी है, ठीक है, अभी मैं इधर सीधा जाता सो इजीली एनिमी मुझे नॉक कर सकता था, एकदम इजीली। तुम लोगों को भी पता है अगर कोई सीधा आएगा तो तुम लोग इजीली जंप फायर करके मार सकते हो उसको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी यूज करना है। देखो क्या करना है, मुझे यहाँ पर टर्न लेना है एक छोटा सा। देखो मैंने जैसे ही उधर टर्न ले लिया उसका एमो हो गया मिस। अब जैसे ही उसका एमो मिस होता है मैं इंस्टेंटली अब उसको मार सकता हूँ और देखो मैं इसको इजीली वन टैप भी मार देता हूँ। सो गाइस ये है क्विक कवर, ये बहुत ओपी ट्री है और गाइस सही में बता रहा हूँ, इस चीज को अगर तुम लोग सीख जाओगे ना देन तुम लोग एक एक स्क्वाड को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। और गाइस क्विक कवर हर एक जगह पे काम आता है, जब तुम लोग पास ग्लू वॉल नहीं होता है तब तुम लोग जब घर में फाइट होता है तो उस टाइम पे भी क्विक कवर बहुत ज्यादा काम में आता है। और गाइस बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इतना अच्छा क्विक कवर लेना जानते हैं जिसको ओपोनेंट एनिमी टच ही नहीं कर पाता है। लाइक गाइस इसका अगर हम लोग बेस्ट एग्जांपल ले वो है विंसिंजो। गाइस विंसिंजो का गेम प्ले तुम लोग देखना, अगर उसकी मोंटाजेस तुम लोग देखते हो तो तुम लोग हमेशा नोटिस करना वो इतना अच्छा क्विक कवर लेता है और इजिली एक स्क्वाड को टैकल कर जाता है और कुछ ही सेकंड में एक स्क्वाड को भी वाइप आउट कर देता है। बस गाइस उसका रिफ्लेक्स देखना और क्विक कवर देखना कितना इजीली लेता है। तो यस गाइस इस चीज को जरूर यूज करना, बहुत ओपी ट्रिक है क्विक कवर। और अगर तुम लोग इस चीज को अपने गेम प्ले में इंप्लीमेंट कर पाते हो देन तुम्हारा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है। सो गाइस क्विक कवर को तुम लोग और एक फॉर्म में यूज कर सकते हो, वो है कन्फ्यूज योर एनिमी, ठीक है। मतलब तुम लोग अपने एनिमी को कन्फ्यूज कर सकते हो और एक फॉर्म में। इधर देखो मेरे सामने एनिमी है, ठीक है, अब मैं सीधा जा रहा था, इधर एनिमी ने मुझे देखा या फिर अगर नहीं भी देखा था तो मैंने इधर वन टैप का कोशिश किया। सो इस टाइम पे एनिमी को पता चल गया कि मैं इधर हूँ। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट की ओर टर्न लिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनिमी को कन्फ्यूज करने के लिए। मैं देखो गाइस इधर गुली बॉल भी लगा सकता था बट नहीं, मैंने इधर एनिमी को कन्फ्यूज करने के लिए लेफ्ट में थोड़ा टर्न ले लिया। अब जैसे ही मैं इधर लेफ्ट में टर्न लेता हूँ अपोनेंट एनिमी को लगता है कि मैं इधर भाग गया या फिर घर के उधर से घूम कर जाऊंगा। सो देखो इस टाइम अपोनेंट एनिमी क्या गलती करेगा, सिंपल सा तुम्हारे पीछे आएगा मारने के लिए। और देखो ये एनिमी भी वही गलती करता है, इधर से सिंपल सा वो आता है। सो गाइस अब मैं सिंपल से यहाँ पर टर्न ले लेता हूँ राइट में और मेरे को मिल चुका है एक परफेक्ट वन टैप का पोजीशन और इजिली एनिमी हो जाता है इधर नॉक। मतलब देखो गाइस इस क्लिप में मैंने कितने इजिली एनिमी को कन्फ्यूज किया है। इस क्लिप को अगर तुम लोग नॉर्मल मोशन में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो सिंपल से मैं गया एक सिंपल सा क्विक कवर एनिमी को लगा मैं इधर चला गया बट ऐसा नहीं है और इजिली उसको वन टैप पड़ गया। तो बहुत ओपी ट्रिक है गाइस, क्विक कवर जरूर यूज करना, तुम्हारा गेम प्ले ना अनदर लेवल जाएगा अगर तुम लोग इस चीज को यूज करना सीख जाओगे तो। सो गाइस नेक्स्ट ट्रिक है फास्ट रस या फिर राइट टाइम टू रस। अब देखो काफी ज्यादातर बिगिनर्स या फिर काफी ज्यादा प्लेयर्स क्या गलती करता है, रॉन्ग टाइम पे रस करके खुद मर जाता है। सो यस गाइस ऑलवेज तुम लोग को राइट टाइम पे एंड बहुत फास्टली रस करना है अगर तुम लोग एक बेहतर प्लेयर बनना चाहते हो और तुम लोग बहुत अच्छा गेम प्ले करना चाहते हो। देन तुम्हारा जो रसिंग स्पीड है, मतलब एक ग्लू वॉल लगाने के बाद इंस्टेंटली उसके पास पहुंचे, ये चीज़ काफ़ी फास्ट होना चाहिए। तुम लोग अगर कस्टम वगैरह खेलते रहते हो तो देखना एक दो प्लेयर ऐसा होता है जब तक तुम लोग एक गोली मारकर ग्लू वॉल लगाओगे वो तुम्हारे पीछे आ भी चुका होगा, इतना फास्ट खेलता है। तो इन सब प्लेयर का रसिंग स्पीड बहुत फास्ट होता है और ऐसे प्लेयर को मारना इम्पॉसिबल सा होता है।
सो यस गाइस, देखो रश स्पीड तुम लोगों का बहुत फास्ट होना चाहिए और राइट टाइम पर रश करना चाहिए। एग्जांपल के लिए इधर देखो, तो गाइस इस क्लिप में एनिमी ने मेरे को फायर करा, गुली बॉल लगाया। अब जब तक वो गुली बॉल छोड़कर दोबारा फायर करेगा, ठीक है, मतलब एक टाइम तो होता है ना गन पकड़ने के लिए, जब तक वो गन पकड़ेगा उससे पहले ही गाइस देखो मैं उसके पास पहुंच चुका हूं और ये लो वन टैप। सो गाइस यही बेनिफिट होता है फास्ट रश का, एनिमी को पता भी नहीं चलेगा भाई क्या ही कब आ गया वो। देखो गाइस मैं इधर सीधा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम पे मैंने दो ट्रिक को यूज़ करा है। एक तो पहला क्विक कवर का, इधर देखो अगर मैं सीधा जाता तो अपोनेंट ने क्या ही मुझे मार सकता था। तो देखो गाइस इधर मैं जा रहा हूँ, सिंपल सा एक मैंने क्विक कवर लिया, इधर मैंने थोड़ा राइट की ओर टर्न लिया ताकि मुझे गोली ना लगे अपोनेंट एनिमी का। अब देखो गाइस इस टाइम पे अपोनेंट एनिमी गोली मारता है, गुली बॉल लगा लेता है। अब जब तक वो गुली बॉल छोड़ेगा गन पकड़ेगा तब तक मैं उसके पास पहुंच चुका हूं और ये लो इजीली वन टैप। सो ये होता है फास्ट रश, बहुत ओपी ट्रिक है, लिटरली बहुत ओपी। और गाइस तुम लोग अगर एक बेहतर प्लेयर बनना चाहते हो ना तुम लोगों को फास्ट रश आना चाहिए। सो गाइस जो नेक्स्ट ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं एक सजेशन बोल सकते हो मेरे तरफ से, अगर तुम लोग गाइस एक बहुत परफेक्ट प्लेयर बनना चाहते हो और शॉर्ट रेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो देन तुम लोगों को ये हैबिट तुम लोगों को छोड़ना चाहिए। सो उनमें सबसे पहला जो हैबिट है वो है नूव वॉक। सो गाइस अगर तुम लोग नूव वॉक यूज़ कर रहे हो सही है, सही टाइम पर यूज़ करो, क्योंकि गाइस अगर तुम लोग नूव वॉक यूज़ कर रहे हो देन तुम्हारा स्किल बहुत ज़्यादा घट जाएगा, तुम लोग फास्ट ग्लूबल नहीं लगा पाओगे और बहुत अच्छे से शॉर्ट रेंज नहीं खेल पाओगे, क्योंकि गाइस नूव वॉक से सिर्फ तुम लोगों का गेम प्ले स्लो होता है और स्क्वाड को मारना तो भूल ही जाओ, कभी नहीं मार पाओगे, और मार पाओगे भी तो लॉन्ग रेंज में। ऐसे कभी शॉर्ट रेंज में जब स्क्वाड आएगा ना, तुम लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल ऐसे बहुत घट जाएगा और तुम लोग हड़बड़ा जाओगे क्या हो रहा है। तो यस गाइस नूव वॉक बहुत एक बैड हैबिट है और तुम लोग इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और छोड़ना चाहिए, लिटरली छोड़ दो। तो गाइस ये हो गया कि मेन बैड हैबिट। अभी और बहुत सारे बैड हैबिट्स है, लाइक तुम लोग जरूरत से ज़्यादा ग्लूबॉल्स लगाते हो, गलत कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रखते हो और रॉन्ग टाइम पे वन टैप खेलते हो, ऐसे बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं जो तुम लोगों को ठीक करना अपने गेम प्ले में। तो इस सीरीज में मैं पार्ट टू बनाऊंगा। सो गाइस अगर तुम लोग चाहते हो इस वीडियो का सीरीज चलता रहे और इस वीडियो का पार्ट टू भी आए तो जरूर कमेंट में बोल देना और 10 के लाइक कंप्लीट कर देना, क्योंकि 10 के लाइक टारगेट अगर कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में देन इस वीडियो का पार्ट टू जरूर आएगा और ये जो सीरीज है मतलब तुम लोगों की गेम प्ले इंप्रूव करने का सीरीज हमेशा चलता रहेगा हमारे चैनल पे। सो यस इस बात पर वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सो यस गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है। और हाँ गाइस जो जो बंदे हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।